तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी इमेज या वीडियो के किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पर हमारे टेक्स्ट को किस तरह स्क्रॉल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए ग्रुप से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम किसी इमेज के बैकग्राउंड पर हमारे टेक्स्ट को किस तरह स्क्रॉल करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम इस इमेज को हमारी टाइमलाइन पर इस तरह ड्रैग करेंगे और फ्रेंड्स, इसके बाद हम हमारी इमेज पर इस तरह राइट क्लिक करेंगे और इधर से क्रॉप टू फिट पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह हमारी स्क्रीन पर हमारी इमेज एडजस्ट हो जाएगी और इसके बाद हम इधर से टाइटल्स पर क्लिक करेंगे और इधर से हम इस टाइटल को इधर हमारी टाइमलाइन पर इस तरह ड्रैग करेंगे और इसके बाद इस टाइटल पर इस तरह डबल क्लिक करेंगे और इधर से हम एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स, इधर से हम इस टेक्स्ट की जगह पर कोई टेक्स्ट राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम इधर ग्रुप राइट करते हैं और इसके बाद इधर से हम इसका फॉन्ट चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर से इसका फॉन्ट इम्पैक्ट चूज़ करता हूँ और इसके बाद इसका साइज़ हम इधर से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसके बाद इधर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर से टेक्स्ट बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और इधर से टेक्स्ट बॉर्डर का कलर हम चेंज करके ब्लैक कर देंगे और इसके बाद इधर से एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और इधर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर से राइट रोल एनिमेशन को हम चूज़ कर लेंगे और इसके बाद इधर से हम ओके पर क्लिक करेंगे और इधर से हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इधर से मीडिया पर क्लिक करेंगे और इस इमेज को दोबारा इस टाइटल के ऊपर टाइमलाइन में इस तरह ड्रैग कर देंगे और इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और इधर से क्रॉप टू फिट की मदद से हम हमारी इमेज को इस तरह स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद इधर से हम इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम इधर से हाइड कर देंगे और इधर से हम इमेज मास्क को हमारी इस इमेज के ऊपर इस तरह ड्रैग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस इमेज पर इस तरह डबल क्लिक करेंगे और इधर से वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और इधर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर से प्रीसेट मास्क को इधर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर से इस मास्क को हम चूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर से अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये इधर हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से हम अगर एक्स एक्सिस को इधर से इस तरह इंक्रीज और डिक्रीज करें तो इधर से हम हमारे सिलेक्शन एरिया को राइट और लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं और इसी तरह अगर हम वाई ऑप्शन को इधर से इंक्रीज और डिक्रीज करें तो इधर से हम हाइट और विड्थ में हमारे सिलेक्शन एरिया को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम विड्थ को इधर से इंक्रीज और डिक्रीज करें तो इधर से हम हमारी विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और इधर से हम हमारे सिलेक्शन एरिया की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इधर से हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं और इसके बाद एक्स एक्सिस से हम हमारे सिलेक्शन एरिया को इधर से एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इधर से ओके पर क्लिक करेंगे और इधर से हम इस इमेज को इधर से अनहाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पर आ चुका है। अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करें तो ये हमारे पास इस तरह शो होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि हम किसी वीडियो में हमारे टेक्स्ट को किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पर किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इस तरह किसी हाई कॉन्ट्रास्ट वीडियो पर ही वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, इधर से हम इस वीडियो को हमारी टाइमलाइन पर इस तरह ड्रैग करते हैं और इसके बाद हम इधर से टाइटल्स पर क्लिक करेंगे और इधर से कोई भी टाइटल हम चूज़ करके इधर हमारी टाइमलाइन पर इस तरह ड्रैग करेंगे और इसके बाद हम हमारे टाइटल पर डबल क्लिक करेंगे और इधर से एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे और इधर हम कोई भी टेक्स्ट राइट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर ग्रुप राइट करता हूँ और इसके बाद इधर से हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इधर से हम इसका फॉन्ट इम्पैक्ट चूज़ करते हैं और इसके बाद इधर से हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करके 150 कर देते हैं और इसके बाद हम इधर ओके पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इधर वीडियो पर क्लिक करेंगे और इधर से कंपोजिंग पर क्लिक करेंगे और इधर से हम ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल मोड से चेंज करेंगे और इधर से हम स्क्रोल डाउन करते हैं और इधर से हम ओवरले को चूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पर चला गया है। तो जैसे ही हम हमारी वीडियो को प्ले करेंगे, अब अगर आप देखें तो एरोप्लेन हमारे पास हमारे टेक्स्ट के फ्रंट पर मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रुप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।